एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं ना अभी ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रही हूँ, और वो भी ये होल व्हीट जो ब्राउन ब्रेड आता है ना, उसके साथ में मैं इसको बना रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ब्रेकफास्ट में, तो मेरे ख्याल से तो ब्राउन ब्रेड का ही यूज करना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ, तो आप देख रहे हो वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर और खीरे को काट के लिया हुआ है स्लाइस में। अगर आप चाहें तो बॉइल्ड पोटैटो उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा सब्जियाँ जैसे कैप्सिकम वगैरह ऐड कर सकते हैं। बट कैप्सिकम का टेस्ट मुझे सैंडविच में इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो कच्चा वाला टेस्ट ना अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो इसीलिए फ़िलहाल मैं ना अभी आप देख रहे हो नीचे वाली लेयर में ना मैं अभी यहाँ पर मेयोनीज़ को लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर हम जो मैंने यहाँ पर सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं स्लाइसेस में उनको यहाँ पे रख दूँगी। तो अभी आप देख रहे हो खीरा प्याज वगैरह मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और मैंने यहाँ पे ना एक हरी मिर्च को बारीक ऐसे काट के उसको भी स्लाइस में ले लिया था। अच्छा लगता है इसमें ना, और वैसे रेड चिल्ली वगैरह तो कुछ डाली नहीं, तो थोड़ा सा तीखे के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ऐसे करके ना हम अपनी सारी जो सैंडविच है उनको फिलिंग कर लेंगे। बहुत सारी सब्जियाँ मैं इसमें रख रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, और आप अगर ऐसी हेल्दी मतलब हेल्दी नाश्ता करते हो और आप ढेर सारी सब्जियां खाते हो तो अच्छा होता है। और उसके साथ में आप देख रहे हो ना ये ऊपर वाली जो लेयर है इसमें मैं टमाटो केचप लगाऊंगी, तो आप देख रहे हो इसमें दो सैंडविच बनके तैयार होगा। और उसके बाद मैं अपने लिए अलग से बनाऊँगी सैंडविच, तो अभी मैं यहाँ पर टमाटो केचप लगा देती हूँ। उसके बाद इसे हम शुद्ध देसी घी में सेकेंगे, मतलब इसे रोस्ट करेंगे, तो तवे में मैं इसे रोस्ट करूँगी। और आप देख रहे हो ये हमारी दो सैंडविच बनकर तैयार हो गई हैं, तो पहले मैं इसे बना लूँगी फिर उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी। तो अभी ना इसे फटाफट से दिखाते हैं तवा गरम करके, और इसमें हम अपने रोस्ट मतलब जो सैंडविच है उसको रोस्ट करेंगे। कल मैंने ना यहाँ पे पीनट मसाला मतलब फ्राई किया था घर पे बनाया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पीनट को ना थोड़ा सा सॉल्ट इसमें तवे में गरम करके और उसको रोस्ट किया था, तो उसी का इसमें ना वो वाइट वाइट नमक दिख रहा था, मैंने उसको हटा दिया है। उसके बाद तवा गरम हो गया था तो मैंने देसी घी इसमें डाल दिया है। अभी ये गरम हो गया है घी हमारा, तो तवे में हम अपनी सैंडविच इसमें रख देंगे और इसको दोनों साइड से बहुत अच्छे से सेक लेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सा घी ना और लेके चारों तरफ से साइड्स में आप देख रहे हो लगा दूँगी, ताकि हमारे जो सैंडविच है ना वो बहुत अच्छे से सेक जाए चारों तरफ से। तो आप देख रहे हो मैं ऐसे ना दोनों साइड से इसको पलट दे रही हूँ, और आप देख रहे हो ना तवे में भी ये बहुत अच्छे से सिक गई हैं। तो बस हमारा ब्रेकफास्ट आज का तैयार है, और सुबह का ब्रेकफास्ट होने के बाद आज मैं अभी लंच में बनाने वाली हूँ वेज फ्राइड राइस। तो उसके लिए आप देख रहे हो ना रिफाइंड ऑयल में मैंने जीरा डाला है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कटी हुई हरी सब्जियाँ जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ था उसको ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर पकाना है, बहुत ज़्यादा तो इसको पकाना नहीं होता है। थोड़ा सा सॉल्ट अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया, और उसके बाद मैंने अपने जो राइस को मतलब पकाया था बॉयल करके रखा हुआ था उसको ऐड कर दिया था, और बस हमारा बहुत ही ईजी सा वेज फ्राइड राइस बन के तैयार हो गया है। ये चाइनीज़ स्टाइल में है, आप चाहें तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्राइड राइस के साथ में इसे खाने के लिए बना रही हूँ, तो बस मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया था। दूसरी साइड में आप देख रहे हो ना मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें डाला है मस्टर्ड ऑयल, और उसके बाद थोड़ा सा जीरा क्रैकल होने के बाद मैंने यहाँ पर प्याज हरी मिर्च को डाल दिया है। आप देख रहे हो गोल्डन फ्राई होने तक हम इसका वेट करेंगे, और इधर हम एक साइड में अपने मसाले जो है ना उसको निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने वही रेगुलर मसाले धनिया हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर साथ में थोड़ा सा नमक ऐड किया है, और ये मैंने डाल रही हूँ यहाँ पे जो है चिकन मसाला है इसे मैंने दो चम्मच ले लिया है। एक जो है ना मैंने फ्राई कर लिया था, एक को मैंने बस कुछ नहीं किया तेल में फ्राई किया है, इसमें सिर्फ मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को मिला के और एक को बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो अभी आप देख रहे हो ये जो प्याज है हमारा वो गोल्डन फ्राई हो गया था, तो इसमें मैं अपना ये मसाला ऐड कर रही हूँ। मसाला जो है ना वो चारों तरफ से आप देख रहे हो तेल छोड़ दिया था, बहुत अच्छे से भून गया था हमारा मसाला, तो मैंने इसमें टमाटर कटे हुए ऐड कर दिए थे। टमाटर को डालने के बाद थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने इसे ढक्कन से मतलब लिड रख के और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छे से आप देख रहे हो ना चारों तरफ से जो तेल था वो छोड़ दिया है, बहुत अच्छे से अरोमा आ रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर अपना दही ऐड करेंगे, तो दही जो है ना आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मतलब आप पर डिपेंड करता है आपका दही कितना खट्टा है या फिर ओके ओके है। तो अभी मैं यहाँ पर दही को ऐड कर दिया है, मैंने 5 से 6 चम्मच यहाँ पर दही लिया था, और आप देख रहे हो ना दही
जो है ना बहुत अच्छे से चलाना होता है, नहीं तो वो फट जाएगा। तो मैं एक ही मतलब सर्कुलर मोशन में उसको चला रही हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दही भी चला दिया मैंने और बहुत अच्छे से हमारा जो ये एग करी है ना वो बहुत ही रिच लुक दे रही है। थोड़ा सा ढक्कन लगाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच गर्म मसाला और 1 चम्मच जो है ना वो मैंने यहाँ पे किचन किंग मसाला ऐड कर दिया है। तो इट्स परफेक्ट हमारी रेसिपी बनके तैयार।